हम लोग जा रहे हैं दुबई के नए मंदिर में जो लास्ट वीक ही ओपन हुआ पब्लिक के लिए, और ये आपकी मेन ब्लॉगर, मैं हूँ साइड ब्लॉगर ये हमारे मित्र सुधीर श्रीवास्तव हमें डायरेक्ट एंट्री मिल गई है लिफ्ट से प्रिशु की वजह से। प्रिशु अभी बहुत छोटी है और काफ़ी लंबी लाइन थी और पॉसिबल नहीं होता है उतनी देर लेकर खड़े रहना, तो यहाँ हम सभी को एंट्री मिल गई है। प्रिशु, मैं, प्रिशु के चाचू, तो सब हम अभी लिफ्ट से जा रहे हैं और आप देख सकते हैं इन सभी की खुशी, उस लंबी लाइन को छोड़ के हमें डायरेक्ट एंट्री मिली है, तो हम सब बहुत हैप्पी है।
और ये हमारा प्रसाद है, प्रसाद देकर अभी नीचे निकलेंगे और गुरुद्वारे में जाएंगे। और अभी हम मंदिर से निकलकर गुरुद्वारे में जा रहे हैं और ये रहा गुरुद्वारा, और इसके जस्ट अपोजिट में चर्च है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है चर्च और ये रहा मंदिर और ये है गुरुद्वारा। आप देख सकते हैं चर्च, मंदिर और गुरुद्वारा तीनों पास में ही है। मंदिर के जस्ट बगल में गुरुद्वारा है। तो अभी मैं आप लोगों को अंदर से गुरुद्वारा दिखा रही हूँ। हम लंगर के लिए आ गए हैं और ये प्रिशु को देखिए अपने पापा का ग्लास लेकर खेल रही है और ये बहुत क्यूट लग रही है। अभी हम लंगर कर लेते हैं और फिर घर निकलेंगे और आपसे मिलते हैं घर में। हेलो एवरीवन, हम मंदिर से वापस आ चुके हैं और चाय पी रहे हैं। हम पहले ही आ चुके थे और आकर बहुत थक गए तो सो गए थे, तो अभी हम उठ के चाय पी रहे हैं। बताओ मंदिर कैसा लगा? भगवान का जगह अच्छा ही होता है, सुंदर बनाया है और भीड़ तो थी बट फिर भी मैनेजेबल भीड़ था। काफ़ी भीड़ थी और ट्रैफिक भी मंदिर के पास। यहाँ काफ़ी बड़ा मंदिर बना है, एक मंदिर और बन रहा है अक्षरधाम मंदिर, जो काफ़ी भव्य मंदिर बन रहा है अबू धाबी में। आपको मालूम है इसके बारे में? थोड़ा मालूम है? और हम गुरुद्वारा भी चले गए थे, मंदिर और गुरुद्वारा दोनों बगल में ही है, तो मंदिर में हमने पूजा की और गुरुद्वारा में लंगर ले लिए। प्रिशु भी काफी मस्ती की, पगड़ी भी पहनी। प्रिशु ओलिपो कितना क्लीन था मंदिर, बिल्कुल वाइट और सारे भगवान के ज्वेलरी एक जैसे, काफ़ी सुंदर बना। दुबई में वैसे ही क्लीननेस बहुत ज़्यादा है हर जगह, तो वो बहुत सरप्राइज नहीं है। कितने अच्छे से मैनेज कर रहे थे सारा कुछ, उतनी पब्लिक थी फिर भी ऑल। ये पब्लिक सो रही थी उस टाइम पे। प्रिशु तो पूरे टाइम सो रही थी। प्रिशु पूरे टाइम सो रही थी। और अब मैं चाय पीकर डिनर बनाऊंगी और फिर हम खाकर
अगर प्रिशु टाइम पर सो गई तो हम सो जाएंगे। हमें प्रिशा की वजह से अलग टाइम मिल गया था तो हमारे लिए इजी हो गया था। और बच्चे के वजह से शॉर्टकट था और लिफ्ट फिर वहाँ जाके ऊपर लाइन तो थी नीचे के लाइन में वो बाईपास हो गया। प्रिशु रास्ते में सो गई थी और वो पूरे मंदिर में सोती रही और तुझे उसे लिए हुए थे तो फिर हमें बोला गया कि आप इस लाइन से चले जाइए और वहाँ पे लिफ्ट था तो हमें स्टेयर्स नहीं चढ़ना पड़ा और हमें इस लाइन से भेज दिया गया था। हम जितने भी सब थे साथ में लिफ्ट से ऊपर चले गए थे। प्रिशु को प्रसाद भी मिला, प्रिशु को प्रसाद भी मिला, ये देखो प्रिशु को प्रसाद भी मिला। और ये देखिए प्रिशु के हाथ में क्या है। प्रिशु आज मंदिर का निकाल ली झूमर। कितने दिनों से मैं इसे बचा के रखती थी, जब भी प्रिशु अपने वॉकर में होती थी मैं इसे ऊपर कर देती थी और आज प्रिशु ने फाइनली ले लिया। प्रिशु प्रिशु ये तुमने क्या किया बेटा, प्रिशु क्या किया बेटा, ले लिया ले लिया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय 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 एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय।